मौजूदा सरकार है वो मतलब जो है बड़ी असफल होकर रह गई है। आप बताइए, 2 साल का कार्यकाल सुक्खू सरकार को होने वाला है, प्रदेश के कर्मचारियों को, पेंशनों को, श्रमिकों को, युवा बेरोजगारों को ठगने के सिवाय और कोई काम इन्होंने नहीं किया है और एक भी पैसे का लाभ जो है ये सरकार नहीं दे पाई है। तो इसीलिए अब हमारे जो ये संयुक्त मोर्चा है इसने फैसला किया है कि सरकार के विरुद्ध जो है 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में जो है जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और सरकार को उखाड़ने के लिए ही यह अभियान चलेगा, क्योंकि इनकी जो हालात आज है, जो इन्होंने हालात आज प्रदेश की है और तहस नहस इन्होंने कर दिया प्रदेश को, आर्थिक संकट में इन्होंने डाल दिया, तो इसीलिए कर्मचारी और पेंशनों को ये मतलब जो है कुछ नहीं दे पा रहे हैं। जो बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव से पहले वो कोई लागू नहीं हुए हैं और मतलब कर्मचारियों को ठगा सा इन्हों जो है महसूस हो रहा है। तो इसलिए हमने ये किया कि प्रदेश के अंदर जो है प्रदीप गुट है, त्रिलोक गुट जो है अराजपुर कर्मचारी महासंघ के ये अध्यक्ष बने हुए हैं और आप ये देखिए कि ये सरकार के खिलाफ बोलते रही, ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री की गोद में बैठे हुए हैं और कभी कहते हैं दिवाली तक का टाइम देंगे, कभी कहते हैं 2 महीने का टाइम देंगे, कभी 3 महीने का टाइम देंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कर्मचारियों के नेता हैं कि सरकार के नेता हैं, आप कर्मचारियों की आवाज को क्यों नहीं उठाते? इनसे बेटर तो मैं ये कहूंगा कि जो सचिवालय के कर्मचारी नेता हैं संजीव शर्मा जी उनके अध्यक्ष हैं और इनके जो दूसरे नेता हैं इन्होंने बड़ा अच्छा अभियान चलाया और आप देखिए सरकार को भी सख्ते में इन्होंने डाला और मतलब जो रैलियां करके ही ये लोग तो आंदोलन करने के लिए तैयार थे, परंतु सुक्खू सरकार ने इनको आप बताइए मेमो दे दिए, आप देखिए प्लीज मोशन दे दिए और डरा दिया, धमका दिया। पर मैं फिर भी इनकी दाद देता हूं कि ये जो है ये डरे नहीं है और ये बिल्कुल धड़ल्ले से जो है कर्मचारियों की आवाज उठा रहे हैं। सचिवालय कर्मचारियों की तो आवाज उठा ही रहे हैं पर प्रदेश के कर्मचारी पेंशनों की आवाज को भी उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रदेश के अंदर इतना माहौल आज खराब है कि किसी भी समय हड़ताल हो सकती है, संघर्ष हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए कह का व्यवस्था परिवर्तन है सुक्खू सरकार का, कर्मचारियों को तनख्वाह 5 तारीख को मिल रही है और पेंशनों को 10 तारीख को मिल रही है। अभी मैंने कल ही पढ़ा कि कर्मचारियों को तो जो है 1 तारीख को मिल जाएगी और जो पेंशनर है उनको जो है 10 तारीख को मिलेगी। और अरे सुक्खू, 3 करोड़ बचाने के लिए आप जो ये है ये नाटक क्यों कर रहे हैं? अगर पिछली बार आपने 3 करोड़ बचाया तो इस बार आप जो है 1 तारीख को तनख्वाह कैसे दे रहे हैं? इस बार नहीं बचेंगे 3 करोड़, बताइए आप क्यों? क्यों पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं आप? क्या 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 आप ये समझते कि हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है वो अनपढ़ है? और बड़े बड़े आंदोलन हमने किए, 70 का किया, 80 का किया, 90 का किया, 92 का किया, तो क्या आप चाहते हैं कि आपका भी तख्ता पलटने के लिए प्रदेश के अंदर कर्मचारी आंदोलन करें? और आप देखिए कि आप कर्मचारियों को जो है एरियर नहीं मिला, कर्मचारियों को 12% डीए नहीं मिला, कर्मचारियों को मेडिकल रिवर्समेंट नहीं मिला, कहां डाला पैसा आपने? हमने बार बार कहा कि आप श्वेत पत्र जारी करें, 2500 करोड़ आपने कर्जा ले लिया और उसके बाद जो है जीपीएफ पे 25 करोड़ वो कर्जा ले लिया, वो डाला कहां? कहां डाला? आप बोले जी आपदा में खत्म हो गया, कौन सी आपदा? पिछली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने आपको 18000 करोड़ कर्जा दिया, वो कहां डाला? तो मेरा कहने का मतलब एक बात है कि आप प्रदेश की जनता को मूर्ख ना समझो आप। और जो जिस हिसाब से जो आपकी सरकार चल रही है मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दिन चलेगी, ये सरकार चरमरा गई है और मतलब जो है बड़े बड़े जो फैसले आपने लिए हैं गलत उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसमें दो राय कोई नहीं, हम तो बोलेंगे, हम बोल रहे हैं आज लाखों लाखों कर्मचारियों का, लाखों पेंशनों का समर्थन मेरे साथ है। मैं अराजपुर कर्मचारी महासंघ का पूर्व अध्यक्ष भी रहा, 3 वर्ष 3 बार रहा, आप बताइए दुनिया हमारे साथ है। मैं कोई बोलते कि गोपाल दास वर्मा तो स्पोक्स मैन ऑफ द बीजेपी, अरे ना मैं बीजेपी का हूं ना मैं कांग्रेस का हूं ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है, मैं सिर्फ कर्मचारियों के मुद्दे उठाता रहा हूं और इनको उठाने से कोई दुनिया की ताकत जो है वो मुझे रोक नहीं सकती है। मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं, पूरे प्रदेश में लोगों से घूमता हूं और पूरे प्रदेश में जो है कर्मचारियों की समस्याओं को सुनता हूं। आज हालात ये हो गए हैं प्रदेश के अंदर, सुखविंदर सुक्खू जी आपने तो, मुझे तो ये लगता है कहीं ये हिमाचल प्रदेश जो बांग्लादेश न बन जाए,
ये आपको अंदर से पकड़ा और बाहर निकाल दिया। स्थिति ही इस वक्त ये इतनी विस्फोटक है। आपने सचिवालय के कर्मचारियों को ठग दिया, आपने कौन बोला कि 16 सितंबर को आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया और कहा 17 तारीख को जो आपकी रैली हो रही, प्रदर्शन हो रहा है, इसको स्थगित कर दें, आप सिर्फ 3 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप एक हफ्ता सचिवालय में रहे, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया और उसके बाद आपने बीमारी का नाटक कर लिया। ये बीमार हो गए ये मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आप अब ओकोबे से बाहर नहीं निकल रहे, तो आप बताइए कैसी सरकार चल रही है ये। और मैंने तो सोनिया गांधी को लिखा, मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा को लिखा, मैंने राहुल गांधी को लिखा, कह रहे भैया अगर सुखू से सरकार नहीं चल रही है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री, उसको संभाल दो, वो चलाएगा अच्छी सरकार। और तो मेरे कहने का मतलब एक बात है सर, हमको सरकार के विरुद्ध नहीं है, परंतु अब सर से ऊपर पानी निकल गया है और इसलिए अब जो है कर्मचारी पूरे प्रदेश में जो है हाहाकार मच गई है। आप बताइए आप पेंशनों को जो है 9 तारीख को कह रहे हैं देने को, भाई आप तो इन बुजुर्गों को मार रहे हैं, आप काहे के मुख्यमंत्री, आप तो इनको इनकी हत्या कर रहे हैं। और 7-8 हजार जो पेंशनर है वो बिना इलाज के मर गए, उनको रिवर्समेंट नहीं मिला, उनको पैसा नहीं मिला, तो पैसा डाला कहां आपने, अपने को तो आप 16 लाख रुपए खर्च रहे हैं और आपके मंत्री खर्च रहे हैं, इनको तो पैसा मिल रहा है। और आप बताइए कि मतलब प्रदेश की जो मतलब आज अर्थव्यवस्था है आपकी वजह से खत्म हुई है, आपने जितने भी ओएसडी बनाए सबको कैबिनेट रैंक, जितने वाइस चेयरमैन चेयरमैन बनाए उनको कैबिनेट रैंक। आप बताइए क्या कर रहे हैं आप, सत्यानाश कर रहे हैं आप, प्रदेश का सत्य प्रदेश को सत्यानाश कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है हालात अब खराब हैं, हालात जो है बदतर होते जा रहे हैं और प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है वो चुप रहने वाला नहीं है, अब लड़ाई लड़ेगा। पहले से हमने जन जागरण अभियान शुरू किया है, गांव गांव जाएंगे और आप देखिए कि ठीक है कि पेंशन जो है संघर्ष नहीं कर सकते, पेंशन तो गांव गांव जाके लोगों को मोटिवेट करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ये हालात आज बनाए हैं, इन्होंने पैसा खाया है सरकार का, उस पैसे का श्वेत पत्र नहीं निकाल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप ये कहते हैं कि भाई हमारे तो 40 हो गए, 4 होते देरी नहीं बढ़ी, अगर आज इलेक्शन हो जाए आप 4 पे अड़ जाएंगे, आप 4 पे अड़ जाएंगे, आप ना अड़ जाए तो मैं आपको जूते में पानी पी लूंगा। स्थिति इस वक्त आज इतनी विस्फोटक है, विस्फोटक स्थिति है। और आप कहते हैं कि भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं दिया, अरे उसने 5 साल ठोक के सरकार चलाई, कर्मचारियों को एरियर भी दिया, कर्मचारियों को 5 साल में डीए भी दिया, कर्मचारियों को मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा भी दिया। आप बताइए जो भैया देगा उसका तो गुणगान करेंगे हम, इसमें तो दो राय कोई है नहीं है। और जब आप देंगे नहीं तो आपका भी विरोध करेंगे हम, ये तो आजादी है। तो इसलिए मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है अभी भी, कर्मचारियों को ना सताओ, पेंशनों को ना सताओ। और आप देखिए बेरोजगारों को ठग दिया आपने, आपने कहा भी 1 लाख नौकरियां एक साल में देंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, और दी कहां नौकरियां आपने, आपने तो जो आउटसोर्स जयराम सरकार ने 10,000 आउटसोर्स को नौकरी पर रखा था वो आपने निकाल दिए, कैसे देंगे नौकरी आप, बेवकूफ बना रहे हैं आप बेरोजगारों को। इसके अलावा आपने प्रदेश की 23 लाख महिलाओं को बेवकूफ बना दिया, आपने कहा कि हम हर घर से अगर 4 महिलाएं होंगी तो उनको 1500 रुपए देंगे। आज स्थिति यह है, आपने जो कहा उसके बाद पलट गया और कहा कि हम 5 लाख महिलाओं को जो है 1500 देंगे, वो भी कुछ नहीं, वो भी जीरो। और जो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 10-12 हजार महिलाओं को आपने जरूर 1500 रुपए दिए, 4500 रुपए दिए, उसकी भी रिकवरी कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, इससे बेटर तो आप छोड़ दीजिए सरकार को और किनारे बैठ जाइए आप, बड़ा गर्व कर दिया आपने कांग्रेस पार्टी का। और मेरा तो आज यही आपको आखिरी है कि हम 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में सरकार की पोल खोल अभियान और जन जागरण अभियान चलाएंगे।